कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से आप चुनावी मैदान में हैं, क्या उद्देश्य है, किस उद्देश्य को लेकर आप चुनावी मैदान में उतरे? 13 तारीख को हमने नामांकन दाखिल किया और 31 मार्च को मतदान है। हमारे कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के 14 जिले के जो हमारे शिक्षक हैं उनकी आशा और उम्मीदों को पूरा करने के लिए हमने नामांकन किया है। हमारे नियोजित जो शिक्षक हैं माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में, उनके राजकर्मी के दर्जे के लिए, उनके पेंशन के लिए, उनके स्थानांतरण के लिए हम नामांकन हमने किया है। और जो हमारे वित्तरहित शिक्षक हैं, वित्तरहित माध्यमिक, वित्तरहित इंटर कॉलेज और वित्तरहित डिग्री कॉलेज, उनके अधिग्रहण के लिए, उनके घाटानुदान के लिए हम मैदान में हैं। उसके अलावे जो हमारे माध्यमिक और उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में अतिथि शिक्षक हैं, महाविद्यालय में जो अतिथि शिक्षक हैं उनके सेवा नियमितीकरण के लिए हम मैदान में हैं। जो कॉन्स्टिट्यूएंट कॉलेज हैं बीपीएससी से जो हमारे साथी आए हैं उनके पीएचडी इंक्रीमेंट के लिए, और जो हमारे सीनियर टीचर्स हैं उनके स्वसमय प्रोन्नति के लिए और सेवांत लाभ स्वसमय मिले इसके लिए हमारा प्रयास रहेगा। बीएड जो टीचर हैं, बीसीए टीचर्स हैं, उनके लिए भी सेवानिवृत्तिकरण हो, इसी मांग के लिए हम मैदान में हैं। और हम सभी शिक्षक साथियों से आग्रह करते हैं कि 31 मार्च को डॉक्टर संजीव कुमार झा जो क्रमांक 7 पर हैं उनके सामने एक लिखकर प्रथम वरीयता का मत देकर हमें विजयी बनावें, ताकि शिक्षक के लिए जो संघर्ष है उसको एक नई ताकत मिले, एक नई दिशा मिले। बहुत सारे प्रत्याशी हैं, यहाँ से तकरीबन 7 प्रत्याशी हैं चुनावी मैदान में, सारे प्रत्याशी वादा कर रहे हैं, जो आपके वोटर हैं वो आप पे कैसे विश्वास कर रहे हैं? चूंकि पिछले कई वर्षों से 4-5 सालों से मैं शिक्षकों के बीच में काफी सक्रिय रहा हूँ, चाहे वो नियोजित शिक्षक हों कि वितरित शिक्षक हों कि अतिथि शिक्षक हों या कॉलेज यूनिवर्सिटीज के टीचर हों, उनके मुद्दे पर मैं हमेशा सक्रिय रहा, मुखर रहा। और मुझे पूरी उम्मीद है, चूंकि शिक्षक साथियों से जो स्नेह और सम्मान मिला है भ्रमण के दौरान, मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रचंड मत से लोग हमको विधान परिषद में भेजेंगे, और ताकि उनके संघर्ष को जो है हम एक नई ताकत देंगे। क्या नाम हुआ? डॉक्टर संजीव कुमार झा, प्रत्याशी कोसी शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र। चुनाव चिन्ह? चुनाव चिन्ह इसमें नहीं होता है सर, नाम के सामने संबल, नाम के सामने होता है।